ये कान में बहुत अच्छे से बैठा, इसमें इतना नहीं बैठा। ये इयररिंग कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर। ऐसे मैं मंगाती रहती हूँ ऑनलाइन, कभी मेरे साथ धोखा नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं 9, मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। अभी मैं चाय, दूसरी चाय ले रही हूँ। मेरी पूजा वगैरह हो गई है, अभी घर के काम बाकी है। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। कल शाम को 6:30 बजे एक कुरियर बॉय आया। वो पार्सल मैं हमेशा मंगाते रहती हूँ ऑनलाइन, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी, तो वो हमेशा आता है। वो अच्छा है, वो पार्सल बॉय की कोई गलती नहीं है, वो अच्छा है। तो वो डिलीवरी बॉय आया, वो दिया 1,000 रुपये, लेके गया और वो पैकेट दे के गया। अब मैं भी जल्दी जल्दी में, हम काम तो बहुत रहते घर में, तो जल्दी जल्दी मैंने भी दे दिए 1,000 रुपये और वो पार्सल लिया। अब ली मैंने जो मंगाया वो तो आया ही नहीं। वैसे अपन कभी भी मंगाओ तो पहले मैसेज आ जाता है कि ये आपका आने वाला है, इतने रुपए का है, ऐसा। कल ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया, तो मुझे डाउट भी हुआ कि आज कैसे पार्सल आया है ऐसा। और इतनी गंदी, इतनी 100 रुपये, 50 रुपये फ्री में भी कोई ना ले वो साड़ी। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, वो 2 साड़ी आया मेरे को। मैंने जो मंगाया था सूट वो तो आया ही नहीं, 1,000 रुपये लेके गए। और बहुत ही बेकार साड़ी, किसी को फ्री में भी देंगे तो वो नहीं लेगा, इतनी रद्दी साड़ी आई है। तो आजकल ऑनलाइन में ये सब भी हो रहा है, मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा तर्क रहे इसलिए। हमेशा आता है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। मैं मैसेज आया तब भी डिलीवर्ड करवाए। मेरे साथ तो धोखा हो गया, 1,000 रुपये का चूना तो लग गया मुझे। हो गया सेट, और दूसरे रूम को पहले कपड़ा देख लेती हूँ, कपड़ा सुखा लेती हूँ। हो गया कपड़ा, ये सब घड़ी करके, सो साड़ियाँ वगैरह वो फोल्ड करके रख दे रही हूँ। आज ये पर्स का भी, मुझे जो पर्स चाहिए वो पर्स रखती, बाकी डिस्कार्ड कर देती, वही सब आज मैं कर रही हूँ।
सारे पर्सन है, इसमें से अभी जो रखने के लायक है वही रखती, बाकी सब निकाल देती। फालतू की बहुत ज़्यादा ये सब है, पर्स यूजलेस है, जो यूज के हैं वही रखती और बाकी मैं निकाल देती हूँ आज। अभी दो तीन शादी में भी जाना है तब ये काम आएगा। ये ऐसा है, सब तीन आया, एक ये है और एक ये है, बैक कैमरे से दिखाती है आपको। देखो एक ये जो उस दिन मैं पिकनिक में पहनी थी ना, वो वाला है ये, एक ये है। ये मैं इयररिंग मंगवाई हूँ, वो दिखा रही, तीन आए हैं एक साथ में, एक में हार्ट है, एक में डायमंड शेप जैसा है और एक फ्लावर टाइप है शायद, ऐसा कुछ है। मुझे तो ऐसे ही ऐसे जानते तीन आए हैं, अच्छे हैं। हाँ फ्लावर ही तो है। जो सब मैं कल मैट धोई थी, बर्तन वगैरह, वो सब वापस जगह पे रख दे रही हूँ। ये बर्तन भी जमा दे रही हूँ, बाटले वगैरह भर दे रही हूँ, ये सब हम अभी करके रख दे रही हूँ। ये है जो दो साड़ियाँ जो बताई ना मैं आया है करके, ये दो साड़ियाँ 1,000 रुपए लेके गए और ये दो साड़ियाँ दे के गए हैं। अभी सब बर्तन जो निकले हैं वो मैं बर्तन कर ले रही हूँ।
बना देती। अभी दोपहर का टाइम है, 12:30 बज गए, पूरे काम मेरे हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी हो गए। अब मैं सभी रूम के पर्दे लगा देती हूँ। सुबह उठती हूँ तो पर्दे खोल देती हूँ, फिर अभी लगा देती हूँ। अभी सभी रूम के पर्दे लगा देती हूँ कि काम कंप्लीट, फिर खाना बनाना है। मंदिर मंदिर में दिया अभी तक जल रहा है, और अभी मंदिर के भी पर्दे में लगा देती हूँ। भगवान को भी धूप लगती है यहाँ पर, तो यहाँ के भी पर्दे में लगा देती हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।